जो पार्टी हिंदुओं, राम मंदिर और हिंदू देवी देवताओं के बारे में गलत बोलेगा, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। यह पूरे वैश्य समाज ने निर्णय लिया है। साथ ही देश भर में फैले समाज के लोग पीएम मोदी के समर्थन में ही वोट करेंगे। इसके लिए अब तक देश के हर जिला लेवल पर मीटिंग हो चुकी है। यह कहना है अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल का, जो अपने बीकानेर दौरे पर रहे। उन्होंने बताया कि जो देश हित की बात करेगा, वैश्य समाज उसी का समर्थन करेगा। साथ ही बीकानेर से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी एवं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को समर्थन देने का ऐलान किया। इन्हीं सभी विषयों को लेकर अशोक अग्रवाल से बातचीत की हमारे संवाददाता केके सिंह ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के अशोक अग्रवाल साहब, बात करते हैं, बीकानेर दौरे पर हैं, बीकानेर में कुछ प्रोग्राम्स अटेंड करने आए हैं, क्या मुद्दा है, बात करना चाहेंगे। इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन ने इस बार एक मुहिम, एक चेतना, राजनीतिक रूप से हमारी जो कार्यकारिणी अभी जस्ट कंप्लीट हुई है कटरा में, जम्मू कटरा में 1 तारीख को, उसमें ये फैसला करा है कि राष्ट्रहित में, सनातन हित में, हमारे धर्म के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति जो आघात हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, एनजीओज़ का, जिस तरह से बकवास की जा रही है, गाली गलौच हो रहा है धर्म के प्रति, और एक पार्टी केवल उसको बचाने पे लगी है, और वैश्य समाज हमेशा से हमारे धर्म के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति समर्पित रहा है, उसको ध्यान रखते हुए एक रेजोल्यूशन पास करा पहली बार कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को ओपनली, हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जिताने में सपोर्ट करेंगे। उसी सिलसिले में आज मैं बीकानेर आया हूँ। हमने जितने लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, आज हमारे हर प्रदेश में इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन सक्रिय रूप से काम कर रहा है। हमने सब प्रदेश अध्यक्षों को ये कहा है कि हर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक प्रभारी नियुक्त करे, जो कि कैंडिडेट को जाकर के बातचीत करे और उन्हें बताए कि पूरा इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन, वैश्य समाज आपके साथ खड़ा है, खुल के खड़ा है, सपोर्ट कर रहा है। बीजेपी के कैंडिडेट हैं श्री अर्जुन मेघवाल जी, उनको भारी बहुमत से वैश्य समाज सपोर्ट करके जीता है। अगर पूरे देश भर की बात करें तो ये तो एक तरह से तय हो ही गया कि भारतीय जनता पार्टी को आप लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ। मोदी सरकार को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम पूरी देश भर के लोगों की बात करें, कितने जो लोग होंगे या कितने मतदाता हैं पूरे वैश्य समाज के? वैश्य समाज को देखिए, समझने की बात है, वैश्य समाज करीब 350 घटकों में बटा हुआ है। कितने घटकों का नाम तो सबने सुने नहीं होंगे, जैसे यूपी में रोनियार समाज है, अयोध्यावासी समाज है, केसरवानी समाज है, आप मतलब अगर बम्बई महाराष्ट्र में जाते हैं व्याणी वैश्य समाज है, साउथ में चले जाते तो आर्य वैश्य, ऐसे हम सब मिलकर के करीब 20 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है। और कोशिश है कि हम अब सब एक संगठित होकर के राष्ट्र हित की बात कर, क्योंकि वैश्य समाज हमेशा राष्ट्र हित में काम करा है। देखिए, ये थे अशोक अग्रवाल, जो कि अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और ख़ास बात अगर हम करें तो इनका सीधे तौर पर कहना है कि राजस्थान ही नहीं, पूरे देश भर की सभी लोकसभा सीटों पर एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को खुला समर्थन दे रहे हैं। केके सिंह, A1 TV, बीकानेर।